तुम्हारी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है। तुम एक काम करो, कौन सा, एक कुंवारी कन्या ढूंढो, अच्छा उसका विवाह, एक धनुष रखवाओ और धनुष यज्ञ करवाओ, अच्छा कन्हैया बलराम को यहाँ बुलवाओ। तो जब 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 वो आ जाए तो सबको यही जेल में बंद करवा देना। फिर सवेरे उठा ये कुल्ला दते न करो, ये का हीरा को खले करवा से का ने का देने की सौदा। महाराज जी, तुम जैसे संत अगर जा दुनिया में है जाए तो जल्दी कन्या ले जाओ। हाँ बिल्कुल। भोजराज कंस ने कहा महाराज कौन जाएगा, पत्र लेकर के बोले अक्रूर जी को भेजना, ये इनके परिवार के भैया का भैया पर विश्वास होता, कन्हैया बलराम को लाना है, कृष्ण बलराम को नहीं लाए तो फिर हम तुम्हें सबको जेल में डलवा देंगे। अक्रूर जी चले हैं, सफेद घोड़ों वाला रथ लिया है, भगवान कन्हैया को बुलाने के लिए, बलराम भैया को लेने के लिए कंस की चिट्ठी लेकर के चले। आरे रथलीना जो तवाई तो रतवा में होना जो तवा लेकर के चले हैं और जैसे ही आगे बढ़े क्या देखा, कन्हैया गाय चरा रहे हैं, रथ रोक लिया, उतर के आए हैं अक्रूर जी। अरे कन्हैया में पायला गन कियो से नीचे कन्हैया को चराते हुए देखा है, आज चरण स्पर्श किए, चाचा को कैसे आयु कंस ने एक पत्र दिया है, उसमें तुम्हें और बलराम को बुलवाया है, सभी नंद उपनंद महानंद नव नंद को बुलवाया, यज्ञ किया है, घी मक्खन दही मंगवाया है, ठीक है चलो तुम, मैं गैया रे के शाम को आऊंगा। उसी समय पर भगवान कन्हैया तो गाय चरा रहे हैं और इधर अक्रूर जी घर पहुंचते हैं बाबा नंद से, इनके भाई थे ये। हाँ आज भाई के चरण स्पर्श किए, छाती से छाती लगा करके मिले हैं। अक्रूर जी ने कहा री बड़ी देर से आए हो, थकान हो गई है। बोले कोई बात नहीं है। नंद ने कहा यशोदा का देख रही मेरा भैया आयो है, जा जल्दी भोजन करवा। तो सुंदर भोजन लेकर के आई है यशोदा ने, भोजन कराया है। उसके बाद में कुशलात पूछी, माताओं ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ कोई गृहस्थी धर्म का नियम है, कोई आ जाए अगर अतिथि तो पहले भाई भोजन करवाओ, उसके बाद में खैरियत कुशलात पूछो। अगर तुमने कुशलात पहले पूछ ली और वो जहां से आओ वहां कचू गड़बड़े है गई है,
तो भांता हुआ रोटी मिली ना, और जहां तुम भी उसे रोटी नहीं दोगे, इसलिए पहले भोजन करवाओ, भोजन करवायो। कहो कैसे रह रहे हो? आक्रूर जी बताइए, आप कैसे मथुरा में रहते हो उस कंस के दरबार में? कहने लगे, भैया क्या बताऊं, कैसे रहता हूं, ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतन के बीच में जीभ रहती है। बहुत अत्याचार कर रहा है, तुम्हें बुलवाया है, यज्ञ रचाया उसने, कन्हैया बलराम को साथ बुलाया, अगर नहीं ले जाओगे तो वो मरवा देगा, दूध दही मक्खन सब मंगाया है। मैया यशोदा आ गई, कहने लगी, नहीं नहीं मेरा लाला नहीं जाएगा, वो दुष्ट कंस मरवा देगा। देवर जी, मेरे कन्हैया से मत कहना, वो इतना उद्दंड बालक है, वो फिर बिना रोके कितना भी रोको उसे, कितना भी रोको वो रुकेगा नहीं। आज रो करके मैया बोली है, देवर जी मेरे कन्हैया से मत कहना, जोड़ू त्यारे हाथ ऐसे ललन सोना कहियो, जोड़ू त्यारे बड़े प्राणों से प्यारा रखा है। इसलिए उनसे कहना मत, नहीं उद्दंड वाला कहीं वो चले जाएंगे। मैंने बड़े दुख में से पाले लला मिली पाले, कन्हैया चले जाएंगे उद्दंड बालक। बैठ जा माता मन, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, आज मैया यशोदा रोने लगी है, कन्हैया आ गए, पैर छुए हैं, पैर छूने के बाद में रात्र को सेन कक्ष में गए हैं, पैरों को दबाए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परिचय सारी बातें हो गई हैं, दूध दही घी मक्खन सुबह चलना है, अगर नहीं गए तो कन्हैया और बलराम को साथ लाना है, अगर नहीं जाओगे उस कंस को नहीं भेजोगे यज्ञ में तो वो हमें और आपको मरवा देगा। इधर सुबह होता है, छकड़न में माल भर लिया है, कन्हैया बलराम चलने के लिए तैयार होते हैं। मैया रोने लगी, बेटा तुम मुझे छोड़कर के जा रहे हो? बोले, नहीं जाऊंगा, वापस लौट के आऊंगा, अभी जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, कल की बात है, परसों वापस आ जाऊंगा। बेटा तुम्हें मैंने बड़े दिनों से पाला है, दुखों से और चलती से मुख दिख नहीं।
प्रपंच प्रपंचन में मैया को इस बूढ़ी मैया ने तुझे अपने प्राणों से अधिक प्यार दिया, तुझे बड़े दुखों से पाला। उस दूसर कंत ने पांचवें दिन पूतना को भेजा, मेरे कुल देवतन की कृपा से मेरो लाला बच गयो। आज तू पढ़ो एक तासो तू वापस लौटिए ये जल्दी भूख लगती है बेटा, पुटरिया में माखन मिश्री दिया है। आदत है तुम कने माखन मिश्री ले दे जाइयो। आज मैया और बेटा में बातें हो रही।